सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा लिए गए एक बहुत ही बड़े और अहम फैसले के बाद यहां पर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ में ही एक बहुत ही बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि इस टाइम महाराष्ट्र में आखिरकार असली शिवसेना किसकी है और नकली शिवसेना किसकी है, इसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में बहस छिड़ी हुई है, जिसको लेकर कल जो है 5 जजों के पीठ के सामने कोर्ट में सुनवाई भी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही थी। इसी दौरान जो है कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा दावा किया गया, जहां पर उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा दावा किया गया कि शिवसेना के 16 बागी विधायकों के खिलाफ में अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक लगाने और नोटिस का जवाब देने के लिए समय सीमा बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के कारण ही महाविकास आघाड़ी MBA सरकार जो है वो गिर गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि अगर 16 विधायकों के जो अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाया गया होता और नोटिस का जवाब देने की समय सीमा अगर नहीं बढ़ाई गई होती तो महाराष्ट्र में MBA सरकार जो है नहीं गिरती। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने सीधे सीधे मंगलवार को 5 जजों के संविधान पीठ के समक्ष में ये बड़ा दावा किया। अदालत शिवसेना के प्रतिनिधि खेमे द्वारा दायर अपीलों के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी। ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों को उनकी अयोग्यता याचिकाओं का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के आदेश ने 12 जुलाई तक का समय बढ़ा दिया, जिसने निर्वाचित सरकार के लिए एक दिन गिराने के लिए ट्रिगर के रूप में काम किया। 23 जून को प्रस्तावित विश्वास मत से पहले ही ये जो सरकार है वो गिर गई। सीधे सीधे ये दावा जो है वो भी कोर्ट के जज के सामने किया गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस पर फैसला कब लेते हैं। बाय द वे जानकारी के लिए बता दूं कि उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा यहाँ पर एक और अपील की गई है कि अभी इसको जो है 5 जजों से हटाकर 7 जजों के खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कोर्ट की तरफ से इसको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।